Hey, suno bhai. Everyone, we are now going to start with what you know, BRS. So write down the heading BRS. ये लिखा क्या बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट? हाँ ठीक है, मत लिखो. शैल आई स्टार्ट नाउ? ओके, सो इट्स अमेजिंग एंड वंडरफुल टॉपिक बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट. सुनते जाओ क्या क्या बोल रहा हूं मैं इसमें. फर्स्ट लाइन लिखो, नो अकाउंटिंग इज डन. फर्स्ट लाइन लिखो, नो अकाउंटिंग इज डन. नो अकाउंटिंग इज डन. इसमें कोई अकाउंटिंग नहीं करते बेटा, अकाउंटिंग नहीं, ये स्टेटमेंट है सिर्फ. ठीक है, ओके. सो किसी के पास पासबुक है इस क्लास में? पासबुक दो 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 पासबुक दो पासबुक. क्या करूं? बस सो नाउ वी हैव गॉट पासबुक, IDBI. ये बच्चों की पासबुक तेरे पास क्या कर रही है? किसके पैसे चुरा के लाए? नलक. ये पासबुक है किसकी? IDBI बैंक की. किस बच्चे का नाम लिखा है इस पर? शुभम. कौन है ये? देखो दाढ़ी आ गई, तू बच्चा कहाँ का भे? तो ये शुभम है, ये शुभम. ठीक है, और ये इसकी बैंक है, IDBI बैंक. बेटा प्लीज ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. शुभम इज एन अकाउंट होल्डर, IDBI इज अ बैंक. शुभम अपने बुक्स में एक बुक बनाता है जिसका नाम है कैश बुक, जिसके अंदर होता है बैंक कॉलम. शुभम अपने बुक्स में एक बुक बनाता है जिसका नाम होता है कैश बुक, जिसके अंदर एक कॉलम होता है बैंक कॉलम. बैंक कॉलम का मतलब है कि आप अकाउंटिंग कर रहे हो, आप अकाउंटिंग कर रहे हो बैंक की, योर बैंक अकाउंट इन योर बुक्स. अब कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है तो समझने की कोशिश करो. जैसे मान लो मेरा बैंक है ICICI बैंक, उसमें मेरा अकाउंट है. तो अगर मैं तुमको चेक इश्यू करता हूं तो मैं उसके पेमेंट की एंट्री पहले मेरे बुक्स में कर देता हूं, या मुझे कोई पैसा मिलता है या मैं डिपॉजिट करता हूं तो उस अमाउंट की एंट्री पहले मैं मेरे बुक्स में कर देता हूं. क्या आपको बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब हम बैंक का अकाउंट बनाते हैं हमारे बुक्स में. जैसे मैं अकाउंट बना सकता हूं तुम्हारा मेरे बुक्स में, मैं अकाउंट बनाता हूं प्लांट एंड मशीनरी का मेरे बुक्स में, तो हम बैंक का अकाउंट मेरे बुक्स में बनाते हैं. बैंक का अकाउंट मतलब मालूम है क्या? बैंक के ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड नहीं करते, हम वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे और बैंक के बीच में हुई है. सो आई प्रिपेयर बैंक अकाउंट इन माई बुक्स. तो फिर मैंने बैंक को बोला टिट फॉर टैट, मैंने तेरा अकाउंट बनाया तू भी मेरा बना, बराबर है कि नहीं? सो बैंक ने बनाया उनकी बुक्स में कस्टमर का अकाउंट. सो IDBI बैंक के अंदर अकाउंट बनाया शुभम अकाउंट. जिनको भरोसा नहीं देख लो इधर आकर, देखना है देख लो, इसमें शुभम अकाउंट है, देख लो उसका नंबर है कि नहीं है, देख लो. अच्छा इसमें ये किसने लिख कर दिया रे? बैंक ने. अच्छा चलो इसमें एक एंट्री लिख, ये लिख रहा है मैंने. तुम उसको मारेगा क्या? लिखेगा तो नहीं मारेगा इसको? लिखेगा तो मारेगा नहीं इस पर, इस बुक पर? मतलब मैं तेरे को कॉक्स नहीं कर रहा हूं बट जेन्युइनली तेरी पासबुक में लिख देगा. पासबुक में एंट्रीज कौन करता है? बैंक करता है कि हम करते हैं? नहीं तो जाने का मैडम को बोलने का, मैडम आई का ना थम्बा मतलब उठा तुम्हें, तुम्हें खूब थकला असल में एंट्री कर दो. ऐसा होता है क्या? अरे झंडूबाम पासबुक सिर्फ तुम्हारे पास होती है खेसत नहीं बसती. हाँ सिर्फ तुम्हारे पास होती है, उल्टी तरी. हाँ तुम्हारे पास होती है, दिख रहा है क्या? ये मेरे पास है बट इसमें मैं अकाउंटिंग नहीं कर सकता. कौन करता है? बैंक. गधेड़े बच्चों मुझे एक बात बताओ, ट्रायल बैलेंस किसकी बुक्स का बनता है? अपनी बुक्स का बनता है कि किसी और की प्रॉपर्टी से अपना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे? अपनी बुक्स, अपना लेजर अकाउंट, उससे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना. ये बुक अपनी नहीं है, ये बुक किसकी है? बैंक की है. ये वाला बैलेंस ट्रायल बैलेंस में नहीं जाता है, ट्रायल बैलेंस में बुक बैलेंस जाता है एज पर कैश बुक. क्योंकि कैश बुक मैं बनाता हूं, कैश बुक में एंट्रीज मैं करता हूं.
मैं पासबुक में एंट्री मैं करता हूँ? नहीं। नहीं। तो बेटा जी पासबुक में एंट्री मैं नहीं करता, तो इसका बैलेंस क्या बैलेंस शीट में जा सकता है क्या मेरी वाली? नहीं। अमा मैं क्या बोला समझा क्या तुमको? अमा समझा क्या? पता नहीं अम्मा क्यों हंसती रहती, भगवान जाने, आधी बार तो मुझे समझ भी नहीं था। ये समझा क्या? ये मुझे नहीं समझा। हम किसका अकाउंट बनाते हैं? हम किसका अकाउंट बनाते हैं? बैंक का। बुक कैश बुक होती है गाइस, आप बुक कैश बुक रहती है, अकाउंट किसका बनाते हैं? बैंक का। मतलब बैंक का अकाउंट इन हमारी बुक्स में, और बैंक क्या बनाती है? हमारा अकाउंट किसकी बुक में? बैंक की बुक्स में। ठीक है पक्का? सो ऐसे दो लोग एक दूसरे का अकाउंट बनाते रहते हैं। अच्छा मैंने बैंक में पैसा डाला 10,000 रुपये, 10,000 पुटअप, राइट? तो मैं बोलूंगा बैंक तेरे से 10,000 रुपये मैंने डाले हैं, तेरे से रिसीवेबल है 10,000, मैंने बैंक में पैसे जमा कर दिए 10,000 रुपये, तो मैं बैंक को क्या बोलूंगा कि 10,000 रुपये तेरे से आने हैं, रिसीवेबल है। बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट हैविंग अ डेबिट बैलेंस मींस मनी इज रिसीवेबल। वही बैंक क्या बोलेगी, सरकार तुमको पैसे देने हैं, मतलब कस्टमर को। जैसे शुभम ने अपनी बुक्स में बनाया IDBI बैंक अकाउंट, उसमें डेबिट बैलेंस है 10,000, और यहां पर बैंक ने बनाया शुभम अकाउंट, तो बैंक बोलेगी शुभम अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, इसको पैसा देना है, तो बैंक अपने पास नहीं रख सकती, तो उसको क्या बोलेंगे? पेबल। पेबल मैं बोलूँ क्या? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है अब ये पढ़ के बता तू पूरी क्लास को, जोर से पढ़ के बता कितना बैलेंस लिखा और क्या लिखा है। अच्छा जोर से मत पढ़, बैलेंस 10,000 पड़ेगा। हाँ पढ़ अभी। जोर से पढ़। क्या 10,000? आगे पढ़ेगा, एक कान के नीचे आवाज दूं। ये अनपढ़ रहे, इसको पढ़ने लिखने नहीं आता, तू पढ़ इधर दे इधर दे इधर, आता शांत बसायचा, पुढच्या पासून आवाज करायची नाही। इधर लिखा हुआ है, इस छोरी ने इसको समझ पढ़ा के सिखाया, भाई तू सुन ऐसे क्या बोल रहे, अच्छे छोरे कौन शादी करेगा तेरे साथ, सही से कर ऐसे बोल कि 10,000 क्रेडिट, मैंने ये लिखा हुआ इधर क्रेडिट, अपनी अपनी घर पे जाके पासबुक देख लेना। तो पासबुक बनती है बैंक के एंगल से, बैंक क्या बोलना चाहती है। हमारे बुक्स में जो बुक्स बनती है वो है कैश बुक, उसमें हम बोलते हैं कि तुमसे पैसा आना है तो डेबिट बैलेंस, बैंक क्या बोली तुमको पैसा देना है क्रेडिट बैलेंस। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में? मुझे नहीं समझा, तुमको समझ में आए तो बताओ ना, बोलो। अपने बुक्स में बैंक को डेबिट बैलेंस है, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे से पैसा आना है, और बैंक उसी को क्या बोलेगी? पेएबल। तो बैंक कौन सा बोलेगी? कस्टमर को क्रेडिट बैलेंस। हैप्पी बेटा, सुनना अगली बात, सुन रहे है ना तू? ये देख, बैंक को होता है डेबिट बैलेंस इन आर बुक्स, और इन बैंक इट इज अ क्रेडिट बैलेंस। हैप्पी? मैंने बैंक में 10,000 रुपये जमा करे, तो मुझे बैंक से कितने रुपए आने? 10,000। बैंक बोल रही है तुमको देने का है 6,000। मैं बोल रहा हूं बैंक अकाउंट को मेरे बुक्स में है डेबिट बैलेंस, बैंक बोल रही है कस्टमर को मेरे बुक्स में है क्रेडिट बैलेंस। आपसे प्रश्न सिर्फ इतना है, इसमें तुम चुपचाप बैठे रहोगे या कुछ तांडव करने वाले हो? क्यों तांडव करोगे? अबे साले जल्लाद, 4,000 रुपये कहां गए मेरे, बता बराबर है ना, बोलोगे ना? 4,000 रुपये कुटे गए ले, इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये बैलेंस और ये बैलेंस आइडियली, तो सर क्या बोल रहे, इधर से भाग गया था, IDIDALLY, पता नहीं स्पेलिंग बराबर है कि नहीं, आइडियली, माय स्पेलिंग्स हैव बिकम वेरी डर्टी नाउ, गलत है तेरे को नहीं मालूम? जब तेरे को मालूम नहीं और मैं गलत लिख रहा हूं तो हंस क्यों रहा है बे? जब मालूम है तो हंसना, इडियट साला। सुन रहे हो क्या मेरी बात? सो आइडियली हस्बैंड वाइफ शुड नॉट फाइट, बट दे फाइट, यस और नो? सो सिमिलरली क्रिएट
किसका मोबाइल है ये? रुक जा, किसका है? ये सुना यार, अभी सीरियस रहो. आइडियली कैशबुक का बैलेंस शुड बी इक्वल टू पासबुक का बैलेंस. इट शुड बी आइडियली इक्वली. दे बोथ विल शो इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस. लाइक कैशबुक बोलेगा डेबिट बैलेंस है मेरे पास, पासबुक बोलेगा क्रेडिट बैलेंस है. आइडियली बोथ शुड शो इक्वल एंड अपोजिट बैलेंस, बट ऐसा होता नहीं है. ऐसा होता है क्या? नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? अब हम उसके तह में जाते हैं, राइट? अच्छा, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं. अगर मैं यहां से पोस्ट भेजूं, ठीक है, औरंगाबाद, तो मैंने आज एंट्री की, वो कब एंट्री करेगा? मैं पोस्ट में डालते, वो एंट्री कर देगा उधर? तो तुम बराबर बोल रहे हो कि सर तुम यहां से माल भेजोगे, जाने में टाइम तो लगेगा ना औरंगाबाद में, समझो नहीं आप, है ना? तो औरंगाबाद में तुमने आज भेजा, वहां पर मिलेगा परसों, तो परसों एंट्री करेगा, है नहीं? अब इस दौरान मैंने अगर आज बैलेंस निकाला, मैंने बोला कि भाई मैंने 10,000 रुपए या 10,000 रुपए का तू मेरा डेटर है, मैंने तेरे को माल भेज दिया, इनवॉइस जनरेट कर दिया, 10,000 रुपए का तू मेरा कौन है? डेटर. ये बोलेगा मेरे को माल मिला ही नहीं, जीरो है मेरा पेएबल. तो बैलेंस में डिफरेंस है कि नहीं है? क्यों डिफरेंस है पता है क्या? कि द टाइमिंग व्हेन आई रिकॉर्ड एंड द कस्टमर रिकॉर्ड्स इज डिफरेंट. सिमिलरली द टाइमिंग व्हेन आई रिकॉर्ड एंड बैंक रिकॉर्ड इज डिफरेंट. जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आज चेक देता हूं तो मैं एंट्री आज करता हूं, बट बैंक आज एंट्री नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको चेक दिया. बैंक को थोड़ी ना पता है वो बैंक उधर है, बैंक को नहीं पता. मैंने इसको चेक दिया, बैंक एंट्री तब करेगी जब ये चेक इसकी बैंक में डिपॉजिट करेगा और वहां से मेरी बैंक अकाउंट के पास चेक आएगा. टाइमिंग डिफरेंस है कि नहीं है? इसी के लिए दोनों बैलेंसेस मैच नहीं होते. बट अगर हम इसको मैच भी नहीं करेंगे और अगर कोई एरर हुआ तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा. तो हमें टाइम टू टाइम, एवरी टाइम, वी हैव टू कीप ऑन मैचिंग द बैलेंस, कि अकाउंट्स का बैलेंस और मेरा क्या बोलते हैं पासबुक का बैलेंस मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज देर कैन बी फ्रॉड्स. देर कैन बी वॉट माई डियर फ्रेंड? फ्रॉड. फ्रॉड हो गए तो क्या करेंगे? तो मैं आपसे वापस एक क्वेश्चन पूछूं. मेरा आपसे सीधा सिंपल क्वेश्चन है, मेरे बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता कई बार. क्यों मैच नहीं होता? बिकॉज देर इज अ टाइमिंग डिफरेंस. मुझे आवाज नहीं, बिकॉज वाई? देर इज अ टाइमिंग डिफरेंस. अब टाइमिंग डिफरेंस मतलब एक एक एग्जाम्पल देता हूं. चेक डिपॉजिटेड ₹20,000, ओके, ऑन 21/3/2013, बट क्लियर्ड ऑन 4/4/13. अब इसका मीनिंग देखो, कैशबुक में एंट्री हो जाएगी 21/3 को, तो कैशबुक में एंट्री क्या हुई? 21/3/2013. बेटा बेटा पासबुक में यही एंट्री कब होगी? 4/4/2013 को. मेरी बात पहुंच रही है? तो इस पूरे पीरियड के दौरान कैशबुक में एंट्री हो चुकी है, पासबुक में एंट्री नहीं हुई. तो बेटा जाहिर सी बात है दोनों बैलेंस मैच होंगे क्या? नहीं. तो ऐसा क्यों होता है समझ में आ रहा है? बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस. कैशबुक में एंट्री पहले हो जाती है या बाद में होती है? पासबुक में एंट्री पहले या बाद में होती है? एग्रीड. तो अब हम क्या करेंगे, ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन लिख के दूंगा जिससे हमारा चैप्टर पर पहला कमांड आएगा, एंट्री पहले कहां होती है हमें यह सुनना है, राइट? तो हम कुछ बैंक ट्रांजेक्शन देखेंगे, राइट? मैं इधर ट्रांजेक्शन लिखूंगा, तुमको सिर्फ लिखना है कि पहले एंट्री किधर होती है, कैशबुक या पासबुक. मेजॉरिटी बच्चों को यह चीज पता नहीं होती, इसकी वजह से आंसर गलत जाता है. मैं देखो ध्यान से बोल रहा हूं, चेक डिपॉजिटेड पहले किसको पता चलता है? जिन बच्चों को लग रहा है कि पासबुक को पता चलता है, यू आर एन इडियट. चेक डिपॉजिटेड मतलब तू चेक लेकर गया था ना बैंक में, तो तुझे पहले पता चला कि बैंक को पहले पता चला? तुम्हें पहले पता चला ना, तो पहले एंट्री कर देता है कैशबुक में और फिर इसकी एंट्री क्लियर होने के बाद में कौन करता है? पासबुक. सो बेटा क्या मैं लिख रहा हूं, सही है क्या? चेक डिपॉजिटेड, इसकी एंट्री पहले होगी कैशबुक में, फिर होगी पासबुक में. फिर बेटा सेकंड, चेक इश्यूड, क्या लीलर है? चेक इश्यूड, इश्यूड का मतलब समझते हो, पेमेंट किया. अब पेमेंट करेगा तो मैं चेक पे साइन करके दूंगा ना, चेक पे साइन करूंगा, कैशबुक में एंट्री करूंगा, पहले एंट्री कहां पे होगी?
सो पहले एंट्री होगी कैश बुक, फिर किधर होगी पासबुक. नेक्स्ट थर्ड वन, चेक डिसऑनर्ड. चेक डिसऑनर्ड पहले किसको मालूम पड़ेगा? पासबुक. फिर किसको मालूम पड़ेगा? कैश बुक. एग्रीड बेटा? नेक्स्ट इंटरेस्ट पेड, क्योंकि वो डायरेक्टली डिडक्ट करते मेरे बैंक अकाउंट से. सो इंटरेस्ट पेड, बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट रिसीव्ड. हाँ नहीं, ये पहले किसको पता चलता है? बैंक को. वन और फिर इधर क्या? टू. अच्छा फिफ्थ, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर. पहले किसको पता चलता है? पासबुक. फिर किसको पता चलता है? कैशबुक. कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर मगर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट करके फोन करके बोलेगा ना. झंडू तू ऐसा मत देख, डिपॉजिट किया पहले किसको मालूम पड़ा? पासबुक. फिर मुझे बैंक में दिखेगा, फिर मुझे पता चलेगा. वो बोलेगा डिपॉजिट किया तो क्या मैं मान जाऊंगा क्या? नहीं, मैं तो जाके बैंक स्टेटमेंट में देखूंगा ना पहले. जब देखने के बाद में पहले किसको पता चला? पासबुक. फिर कैशबुक. सो डायरेक्ट डिपॉजिट बड़े लिख कर लो. पहले पता चला पासबुक को, फिर पता चला इसको. ट्रांजैक्शन कैशबुक एंड पासबुक. ये लिखे हुआ बेटा, कुछ नहीं, कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि पहले एंट्री किधर. सिर्फ अप्लाई कॉमन सेंस. तो रूल नंबर वन, जब भी कोई ट्रांजैक्शन पढ़ोगे पहले ये सोचोगे एंट्री किसने की पहले, पहले किसको पता चला, हु डज द एंट्री फर्स्ट, वेदर इट इज पासबुक और वेदर इट इज कैश बुक. एम आई कम्युनिकेटिंग? यस. अब बेटा कुछ लाइनों के मीनिंग समझिए. अगर मैं कहूं आई रिसीव्ड और आई डिपॉजिटेड लिखू क्या? I deposited rupees 5000. तो बेटा कैशबुक में ये लिखा जाता है रिसीट साइड में, पासबुक में ये लिखा जाता है क्रेडिट साइड में. तो रिसीट साइड मतलब कैशबुक में होता है डेबिटेड और पासबुक में होता है क्रेडिटेड. तो अगर एग्जामिनर ने ये बोला कि समथिंग इज डेबिटेड इन कैशबुक, मतलब आपको समझना है रिसीव्ड, क्योंकि कैशबुक की डेबिट साइड मतलब क्या है? रिसीट. कैशबुक की पेमेंट साइड मतलब क्या है? क्रेडिट. डेबिट साइड इज रिसीट. तो अगर कोई ये बोले आपको डेबिटेड इन कैशबुक, मतलब समझ जाना रिसीव्ड. मैंने बोला था कि कैशबुक और पासबुक उल्टा बिहेव करती है. तो अगर मैं बोलता हूं रिसीव्ड तो बैंक बोलेगी हां तुझे पेएबल है. मैंने बोला बैंक से पैसा आना है रिसीवेबल, बैंक बोलेगी पेबल. बराबर है कि नहीं है? सो अगर मैं डेबिटेड बोलता हूं तो बैंक उसी चीज को क्या बोलती है? क्रेडिटेड. दोनों एक ही चीज है. बट आई से डेबिटेड इन कैशबुक, दे से क्रेडिटेड इन पासबुक. समझे क्या? नेक्स्ट आई से आई हैव पेड रुपीज 4000. तो बेटा मैं क्या करूंगा? क्रेडिटेड इन कैशबुक, क्योंकि क्रेडिट इज व्हाट? पेमेंट. तो मैं कौन से साइड में लिखूंगा? पेमेंट साइड में. वही बैंक कौन से साइड में लिखेंगे? डेबिटेड. आप खुद देख लो, पैसा विड्रॉ करती है तब बैंक क्या बोलती? योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय सो एंड सो.
बैंक चार्जेस के बारे में, योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय सो एंड सो, आज जाके कार्ड स्वाइप करना एक मैसेज आएगा, मैसेज में क्या लिखते हैं, योर अकाउंट इज डेबिटेड बाय सो एंड सो अमाउंट। सो बेटा बैंक उसी चीज को क्या बोलती है, डेबिटेड। आओ सांगा ना हाँ कि नहीं, मला नहीं कळत आहे, मला सांगा ना। अपन डेबिटेड म्हटलं कैश बुक, इफ आई से डेबिटेड इन कैश बुक मीन्स वॉट, रिसीव्ड। वही चीज बैंक क्या बोलता है, क्रेडिटेड इन पासबुक। अब डेबिटेड क्रेडिटेड में बात करो, मैं पूछूंगा डेबिटेड इन कैश बुक रिसीव्ड और पेड, क्रेडिटेड इन कैश बुक, ए क्रेडिटेड इन पासबुक, अगेन इट इज रिसीव्ड ओनली गायछाप। अपना डेबिटेड रिसीव्ड, त्यांचा क्रेडिटेड काय, रिसीव्ड। अगर मैं बोलूं क्रेडिटेड सी आर क्रेडिटेड तो वो क्या बोलेंगे, डेबिटेड। कळते का, मला नाही लक्षात येत। डेबिटेड इन कैश बुक रिसीव्ड और पेड, डेबिटेड इन कैश बुक क्रेडिटेड इन पासबुक, डेबिटेड इन पासबुक क्रेडिटेड इन कैश बुक। अच्छा ये इधर लिख दिया, ऐसा लिखना पड़ता था, डिस्काउंट डिस्काउंट, हाँ वापिस। अगर मैं कहूं क्रेडिटेड इन कैश बुक डेबिटेड इन पासबुक, दोनों वन एंड द सेम है। चलो डेबिटेड इन कैश बुक रिसीव्ड, क्रेडिटेड इन पासबुक रिसीव्ड, क्रेडिटेड रिसीव्ड, क्रेडिटेड इन कैश बुक पेड, डेबिटेड इन पास बुक पेड। अगर इसमें गड़बड़ की तो झोल है। पूछो अभी तुम मुझे सिर्फ इतना बताओगे रिसीव्ड या पेड, रिसीव्ड या पेड, इतना बताओगे। डेबिटेड इन पासबुक, डेबिटेड इन पासबुक पेड, क्रेडिटेड इन कैश बुक, खड़ा हो भी, खड़ा हो भी, बोला था चार बार गोबर करो, खड़ा हो, अभी गुस्सा ही आ रहा था मेरे को, पकड़ कान, कान पकड़ो और खड़े रहे ऐसे, कान पकड़ के खड़ा रहे। बेटा मुझे बताओ कल का गुस्सा निकल रहा है अभी। डेबिटेड इन कैश बुक, बैठ जा बैठ जा, वो कैमरा में तेरे कान आ रहे। हाँ डेबिटेड इन कैश बुक, डेबिटेड इन कैश बुक, क्रेडिटेड इन पासबुक, क्रेडिटेड इन कैश बुक, डेबिटेड इन कैश बुक। अरे रट्टू पोपट, मतलब तुमको है ना चार लाइनों में है ना इस वापिस से, नहीं जब तक आप सही नहीं बोलेगी पूरी क्लास फट सुन के करो ना क्या गोबर को। डेबिटेड इन पासबुक, तभी पूरी क्लास क्या होगा। डेबिटेड इन पासबुक, क्रेडिटेड इन कैश बुक, डेबिटेड इन पासबुक, डेबिटेड इन कैश बुक, क्रेडिटेड इन कैश बुक, क्रेडिटेड इन कैश बुक पेड गाय छाप। दिन भर चूना मलने का खाने का। और क्रेडिटेड इन पासबुक, क्रेडिटेड इन पासबुक, हाँ समझ में आ गया, हाँ गुड वन। शैल आई टेक यू टू द नेक्स्ट स्टेप, हियर इट इज। बच्चों दोनों बैलेंस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, दोनों बैलेंस इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट मतलब दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है जब फाइनलाइजेशन होता है ना लास्ट में, तो तुमको ये बोलेंगे कि नहीं हमारा बैंक बैलेंस है ना 50 लाख रुपए। तुम सोचते हो इस कंपनी के पास 50 लाख रुपए बैंक बैलेंस है, तुमको भरोसा नहीं होता है, तो तुम बोलते हो एक काम करो पासबुक ला कर दिखाओ, बैंक स्टेटमेंट ला के दिखाओ। तो बैंक स्टेटमेंट में देखते हो तो भंडी दिखता है सिर्फ 2 लाख रुपए बैलेंस है, बैंक में बैलेंस दिखता है कितना 2 लाख, कैशबुक कितना बोल रही है 50 लाख। अब देखना जरा फ्रॉड कैसे हो रहा है। मैंने उसको क्लाइंट को पूछा कितना बैलेंस है तुम्हारे कैश बुक में, 50 लाख है। तुमको कंपनी के बारे में मालूम 50 लाख रुपए इसके पास बैलेंस है, कुछ तो बत्ती दे रहा है। तुम बोलते हो बैंक स्टेटमेंट लेके, बैंक स्टेटमेंट में उसी डेट का बैलेंस है 2 लाख, साले डिफरेंस क्यों है। तो ये क्या करता है अपनी पोजिशन को इन्फ्लेट करने के लिए, किसी अपने दोस्त को बोल देता है एक चेक दे दे 48 लाख का, ठीक है मैं जमा नहीं कराऊंगा वापस तेरे को ही दे दूंगा, अभी चेक तो दे तू, पर ये चेक दे देता है। तुम्हारे पास चेक दिखा देते हो, एंट्री कर देते हो बैंक टू फ्रेंड व्हाटएवर, एग्रीड 48 लाख की एंट्री कर दी तुमने।
अब तुम्हारे पास चेक है, तुमने डिपॉजिट नहीं किया, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तुम्हारा बैंक बैलेंस ऑटोमेटिकली शूट हो गया कितना, 50 लाख। अब 31 मार्च के बाद में तुम जाकर क्या करोगे, इस एंट्री को रिवर्स कर दोगे। क्यों एंट्री को रिवर्स कर दोगे, चेक डिपॉजिट किया ही नहीं। अबे पर 31 मार्च को तो तुमने तुम्हारी पोजीशन एकदम अय्याशी वाली दिखा दी, 50 लाख का बैलेंस, मार्च के बाद में एंट्री वापस रिवर्स हो गई। तो फिर ऑडिटर बोलेगा ये चेक आपके पास आया है, क्यों आया है? तो बोलेगा मेरे फ्रेंड ने दिया। तो कोई बात नहीं, फ्रेंड से हम कन्फर्मेशन लिख कर लेंगे कि तुम लिख कर दो कि तुम इस व्यक्ति को पेएबल हो 48 लाख रुपीज, इतना लिख कर दो। अगर फ्रेंड ने लिख कर दिया तो उसके बाद में ही ऑडिटर मानेगा, क्योंकि अगर वो नहीं मान लिख कर दे रहा है तो इस केस में वो पूछेगा अगर तुम लिख कर नहीं ले रहे हो तो वी आर रिवर्सिंग दिस एंट्री राइट नाउ। ऐसा होता है। क्यों नहीं लिख कर दे रहा है वो, क्योंकि सीधी सी बात है कि कोई तो झोल का काम कर रहा है तो क्यों लिख कर देगा। ही विल नॉट अलाउ एनी थर्ड पार्टी टू टेक एन एक्सेस ऑफ दिस। मेजॉरिटी फ्रॉड बैंक में इस वजह से होता है कि आप बैंक बैलेंस इन्फ्लेट कर दिखा देते हो, एक्चुअली बैलेंस उतना होता नहीं है। इसलिए BRS हेल्प करता है। BRS से पता चलता है कि कौन से आइटम की वजह से चेंज आ रहा है। समझे BRS क्या है? BRS अकाउंटिंग नहीं है, BRS सिर्फ कैशबुक और पासबुक में क्या डिफरेंस है, किस वजह से, ये बताते हैं। एम आई कम्युनिकेटिंग? ऑलराइट, तो अब वो कैसे करते हैं? तुम्हारा लेफ्ट हैंड दिखाओ सभी बच्चे, सभी बच्चे तुम्हारा लेफ्ट हैंड दिखाओ, दिखाओ ना लेफ्ट हैंड, नहीं दिख रहा है मुझे लेफ्ट हैंड। यस, दिस लेफ्ट हैंड सर, तुमसे राइट। ए संतोष लेफ्ट हैंड दिखाना लायक। हाँ, ये मेरा जो हाथ है, ये जो मेरा हाथ है, मैं तुम्हारे से मैच कर रहा हूँ। सो जो कैमरा में देख रहे हैं, तुम्हारा लेफ्ट हैंड कर दो, तुमको अपने आप मेरा हाथ मैच हो जाएगा, ठीक है? ये मेरा लेफ्ट हैंड है, दिखता है? इसको बोलो पासबुक, लिखो इधर पासबुक, हमारा लिखो पासबुक। लेफ्ट हैंड पासबुक, ठीक है। अब राइट हैंड दिखाओ तुम्हारा, सभी बच्चे राइट हैंड दिखाओ। अम्मा आशीर्वाद दो मेरे को, हाँ देवी माता आशीर्वाद दो, हाँ अम्मा आशीर्वाद दो, अम्मा कहाँ बीजी हो, भक्त तुम्हारे इधर बैठे कब से, आशीर्वाद दो अम्मा। ये राइट हैंड इज व्हाट, कैश बुक। राइट हैंड इज कैश बुक। सीबी लिख दू क्या, इस पर लिख दो सीबी। ये दोनों दिख रहे क्या अभी तुम्हारे? चलो जल्दी से कैश बुक बताओ, कैश बुक। ए गाउटी, ए गाउटी, कैश बुक दिखा बोल रहा हूं। इधर क्या लिखा है, पासबुक लिखा है क्या? नहीं गाय छाप। ये कैश बुक, ये पासबुक। चलो अभी मैं थोड़ी देर के लिए यही गेम खेलूंगा, मुझे अच्छा लग रहा है। कैशबुक दिखाओ, पासबुक दिखाओ, पासबुक, कैशबुक। चलो थोड़ी देर गेम खेलेंगे यार। कैशबुक, पासबुक, पासबुक, कैशबुक, 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 पासबुक, 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 कैशबुक। समझ में आ रहा है क्या? ये कैशबुक, ये क्या है पासबुक। दोनों हाथ इक्वल है क्या? दोनों हाथ इक्वल होते हैं, ऐसे देख लो कौन सा एंगल से कम ज्यादा है, तो इक्वल है। दोनों अपोजिट रहते हैं, ये इधर के बाजू में रहता है, ये इधर के बाजू में रहता है। ऐसे ही है ना अम्मा, कि दोनों एक ही बाजू में नहीं है? अम्मा खुश हो गई। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, ये इनका लेवल है। कर लेवल कर। हाँ बेटा जी, अब आप कोई भी हाथ को मूव कर सकते हो, कर कर दिखाओ। ऐसा ही मूव करने का, नहीं तो ऐसा दाना ऐसा दाना ऐसा नहीं चला। समझ में आ रहा क्या? ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं तो ऐसा। किसी भी हाथ को मूव करो, राइट। तो मैं पहला लिख रहा हूं, राइट हैंड इज इक्वल टू कैश बुक, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू पासबुक। ये पहली लाइन। दूसरी लाइन, मूव एनी हैंड। मग ये कई विद्यार्थी एड्यासारखा करतात। मूव एनी हैंड एज पर, किती भारी विद्यार्थी आहेत, एज पर ट्रांजेक्शन। ऊपर चिड़िया है क्या रे संतोष, चिड़िया है क्या ऊपर? देखना फिर इधर क्या पाल है वो, क्या देखता है उसको, किसी भी चीज में इंटरेस्ट आता तेरे को? सुनो अभी, चलो सुनते हो क्या, मेरी बात सुनो ना मस्ती में। देखो मैडम कैसे बैठती है,
चलो इक्वल लो, चलो इक्वल लो ना, इक्वल लो। ए चेक डिपॉजिटेड पहले एंट्री किधर होती है? तुमची कैशबुक दाखवा। ये चेक डिपॉजिटेड मतलब बैलेंस बढ़ता है कि कम होता है? पानी का लेवल बढ़ गया है, दिख रहा है क्या? इधर तक होना चाहिए था, इधर तक बढ़ गया है, राइट? हे वर्गीला, अभी कुछ नहीं करने का, रुक जाओ, मैं तुमको पूछते रहूंगा, बस देखेंगे पहले। चेक डिपॉजिटेड बताओ कहां पे पहले एंट्री होती है? कैशबुक। तो कैशबुक ऊपर जाएगी क्या नीचे जाएगी? ये ऊपर गई, बराबर है, डन। बैंक चार्जेस पहले एंट्री किधर हुई? ये लो इक्वल। बैंक चार्जेस क्या होगा? गाउटी, हाथ सभी के खाली, एक गाउटी, तू इधर। हाँ, गाउटी मतलब मैं भी गांव का ही हूं, सॉरी। हाँ, सुन रहा है मेरी बात, खड़ा हो जाए एक बार। तेरी कैशबुक दिखा, पासबुक दिखा। बैंक चार्जेस की एंट्री किधर होती है? पासबुक में। दोनों को इक्वल ले, तो बैंक चार्जेस होता है तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाता है, क्या होता है? कम होता है। किसका बैंक बैलेंस कम करेगा? हाँ, पासबुक। मेरे पास देखने का नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये माजा है, तू तुझा कर इसे अलग है। मतलब ऐसा सीरियसली दिखता सर कितो कि समझा गया? नहीं नहीं बच्चों, मैं तुमको सीरियसली बोल रहा हूँ, अपना दिमाग लगा के करो, हंसते खेलते करो, स्माइल के साथ, तुमको अपने आप आएगा। क्योंकि मैं अभी जो करा रहा हूँ वो सिखा नहीं रहा हूँ तुमको, मैं तुमको से बता रहा हूँ कि कॉमन सेंस लगा और खुद का खुद कर। रेडी हो अभी आप? अच्छा, इंटरेस्ट लो इक्वल। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन बैंक डायरेक्टली, तो पहले एंट्री किधर होगी? ये पासबुक बढ़ गया, हाँ या नहीं? हाँ, छोड़ दो, मैं आपको अभी दूसरा पूछ रहा हूँ। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर पहले एंट्री किधर हुई? लो इक्वल। तो ये डायरेक्ट डिपॉजिट बढ़ गया क्या? हाँ, छोड़ दो। नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट सुनिए, तुमको डेबिटेड क्रेडिटेड याद है क्या? डेबिटेड इन कैश बुक, क्रेडिटेड इन कैश बुक, डेबिटेड इन पासबुक। अभी आवाज कम आ रही, डेबिटेड इन पासबुक, क्रेडिटेड इन पासबुक, पक्का ना? तो अब मैं तुमको डेबिटेड और क्रेडिटेड में झोल छिलाऊंगा, सुन रहे हो? मैं बोल रहा हूं क्रेडिटेड इन पासबुक, क्या हुआ? क्रेडिटेड इन पासबुक तो करना झंडू, या ऐसा ऐसा क्या कर रहा है? अरे ऐसा एक से एक छिछोरे है ना। क्रेडिटेड इन पासबुक क्या बढ़ गया बेटा? पासबुक, क्योंकि रिसीव्ड है ना, पासबुक बढ़ गया। चलो छोड़ दो। डेबिटेड इन कैशबुक, तुम करो, मैं देख रहा हूं। डेबिटेड इन कैशबुक, आजू बाजू में नहीं देखने का, देखा ना, पाप लगता है, शादी नहीं होगी, उगांडा में होगी डायरेक्ट। तुम तेरा करने का, उगांडा नहीं जाने का। हाँ, चलो ऑफिस इक्वल। मैं बोल रहा हूं डेबिटेड इन कैशबुक क्या होएगा? ये बढ़ गया क्या? हाँ, छोड़। फिर वापिस क्रेडिटेड इन पासबुक, क्रेडिटेड इन पासबुक का है? हाँ, रिसीव्ड। क्या रिसीव्ड? कहां पे रिसीव्ड? हाँ, पासबुक, समझेगे नहीं? हाँ, नेक्स्ट इक्वल लो, इक्वल 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 ले रहे भाई। क्रेडिटेड इन कैशबुक किधर पेड? ठीक है, नेक्स्ट इक्वल लो। क्रेडिटेड इन पासबुक, डेबिटेड इन पासबुक कम, क्रेडिटेड इन कैशबुक कम, डेबिटेड इन कैशबुक बढ़ गया, करता है ना? हाँ, जंप है तो एकदम भारी है रे। पहला दूसरा स्टेप का है, मूव एनी हैंड एज पर ट्रांजेक्शन। मैं तुम्हाला सांगितलं का, हे हात वर करा, हे हात खाली करा, कुछ भी नहीं, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजेक्शन मूव एनी हैंड, करते का नहीं? पक्का? थर्ड, फ्रीज द हैंड फॉर विच यू डू नॉट नो द बैलेंस। जिसका बैलेंस मालूम नहीं है उसको फ्रीज करो। पहले हम ये सीखेंगे फ्रीज कैसे करते। बचपन में गेम खेला था क्या? बर्फ पानी, आइस वाटर, अजून क्या कैसे रहते, अजून क्या क्या मानते, विष अमृत, विष अमृत और कौन सा, लॉक एंड की। पर लॉक भी नहीं हिलता, की भी नहीं हिलती, क्या कुछ भी गया, एडे में निकला था किसी ने। सुनो अभी, मतलब फ्रीज का मतलब है कि एक बार ट्रांजेक्शन हो गई ना, तुमने स्टेप नंबर टू में
बाळ्या सरळ बस, नाही तर मला आसाराम बापू की फिलिंग आती आहे, सीधा बैठणार तो असं होपलेस यार, सीधा बैठ और ज्ञान सुन सिर्फ. ए भाऊ सुन, मैंने अगर बोला मूव एनी हैंड तो तुम स्टेप नंबर टू पर ध्यान दो, मैंने कोई भी हाथ ऐसे मूव किया राइट. जैसे मैंने बोला बैंक चार्जेस लिया इक्वल, फिर बैंक का बैलेंस हुआ कम, यहां तक आया, कोई इनसे हाथ मूव करना कोई लेना देना नहीं राइट, यहां तक आ गया. फिर मैं बोलूंगा फ्रीज द हैंड फॉर विच यू डोंट नो द बैलेंस. ट्रांजेक्शन से कभी नहीं पता चलता कि किसका बैलेंस पता नहीं है. जैसे बैलेंस किसका पता है देखने के लिए, मुझे पासबुक देखनी पड़ेगी. हाँ, पासबुक का बैलेंस है 31 मार्च के हिसाब से 12,522. किसका बैलेंस मालूम है? तो किसका मालूम नहीं है? कळते का? हे एकच लाईन मध्ये दिलेलं असेल सगळं ट्रान्झॅक्शन करता, फॉर ऑल द ट्रान्झॅक्शन यू विल बी गिवन वन बॅलन्स. तो ऐसा बोलेंगे नहीं क्या तुमको, बैलेंस एज पर कैशबुक इज 75,000. मतलब किसका बैलेंस मालूम है? कैशबुक. वो ट्रांजेक्शन बाय ट्रांजेक्शन नहीं पता चलता, वो एक ही लाइन में पहले दिया रहेगा. जैसे मतलब एक बैलेंस दिया जाएगा, बैलेंस एज पर कैशबुक इज 75,000, लिखा क्या मैंने? हाँ लिख दिया. उसके बाद में वो धीरे धीरे बोलेंगे ये ट्रांजेक्शन हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. हर एक केस में किसका बैलेंस मालूम है? कैशबुक. किसका मालूम नहीं है? पासबुक. मैं काय बोलते करते का? तो जैसे ऐसे मैं लिखूंगा चेक डिपॉजिटेड नॉट क्लियर्ड, हाय नहीं. फिर मैं लिखूंगा चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, इंटरेस्ट रिसीव नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इन सभी ट्रांजेक्शन के लिए कैशबुक का बैलेंस मालूम है. अरे करते का है? हाँ अच्छा, मैंने बोला फ्रीज द हैंड फॉर विच बैलेंस इज नॉट नोन. इंग्लिश करते जिसके लिए बैलेंस मालूम नहीं है उसको क्या कर दो? फ्रीज. फ्रीज कैसे करते? आवाज निकलने को ना नागिन के जैसे. हाँ तो मतलब समझ में आएगा कि लास्ट स्टेप में ऐसे करते. अब क्यों देखो बेटा, अगली बार मत पकड़े जाना, नहीं तो इधर खड़ा करके ना ऐसे ही कराऊ, मतलब सभी को एंटरटेनमेंट होएगा. सुनो 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 गाँव वालो, सुनना भाई सुनता है. एक बार एक ट्रांजेक्शन को इज्जत से करते फिर मुझे बताना. मैं आपको बोलता हूँ बैंक चार्जेस एंट्री किधर होगी? चलो इसके लिए बोल रहा हूँ कैशबुक का बैलेंस मालूम है, हाँ या नहीं? बैंक चार्जेस इक्वल लो, इक्वल 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 इक्वल. हाँ कहाँ पे एंट्री हुई? क्या हो जाएगा पासबुक में? ये बैलेंस कम दिखा क्या? कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? ये पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा? बैलेंस एज पर कैशबुक बोला है ना, तो किसका बैलेंस मालूम नहीं है? तो इसको फ्रीज करेंगे क्या? संतोष कर नाक कोटा सा, ये हुआ क्या? अब ये हिलता है क्या? ये हिल रहा है क्या? नहीं, ये ऊपर नहीं आता. ओ नहीं आता. फिर ये नीचे आता है तो इसको क्या बोलेंगे? लेस. समझा क्या? फ्रीज नहीं किया ना, तो मिस्टर इंडिया मूवी में एक डायलॉग था, ये सीढ़िया नीचे से ऊपर आती है, मतलब नीचे से ऊपर जाती है, और यही सीढ़िया ऊपर से भी नीचे आती है, क्योंकि तू यहां तक तो आ जाता है बट फ्रीज करने का मालूम नहीं ना, तो इधर हाँ ऐड, और दूसरा बच्चा बाजू में बैठा, हाँ पेपर दोगाना सोपा गेला है. अरे समझ आ रही है क्या बात भाई? लास्ट की स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो आप कर लोगे, इसमें कॉमन सेंस है, बट उसके पहले फ्रीज करना जरूरी है, कि फ्रीज करने के बाद ये मूव नहीं होता है, फिर यही चीज नीचे आता है. तो स्टेप नंबर टू में तुम कोई भी हाथ ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट स्टेप नंबर थ्री में पहले एक हाथ फ्रीज होता है और फिर दूसरा हाथ ऊपर नीचे होता है. अगर वो ऊपर हुआ तो ऐड, अगर वो नीचे हुआ तो लेस. करता है का पांड्या? पांड्याला कळालं आहे. मैं लिखूं अभी बैलेंस एज पर कैशबुक इज 25,000, जे काही असेल ते ठीक है. अब मैं तुमको बोलता हूं चेक डिपॉजिटेड, मेरे को कोई घाई नहीं है बट मेरे को आंसर सही चाहिए, गोबर किया ना तो याद रख लेना. चेक डिपॉजिटेड रुपीज 2,000 नॉट क्लियर्ड, कोई घाई नहीं है मेरे को एक बात पूछना, इसकी एंट्री पहले कहां पे होती है? घाई नहीं है, गोबर किया तो याद रख लेना. किसमें होती है? कैशबुक. डिपॉजिट किया तो पैसा बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है राइट. किसका बैलेंस मालूम है? पहली लाइन में बोलेला है कैशबुक है इक्वल. हाँ चेक डिपॉजिट, ए गाड़ो चेक डिपॉजिटेड, पहले एंट्री किधर होती है? कैशबुक. लो कैशबुक को ऊपर, हाँ
कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, देखो 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 कौन सा पासबुक, नाक ऊपर डसेगा कि नीचे, आवाज निकालो, फिर क्या फिर क्या करोगे? लेस, हैव यू अंडरस्टूड? तो पहला वाला होगा लेस। बेटा ये मेरे साथ लिखते लिखते करो, अभी ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन लिख कर दूंगा फिर हम करेंगे लेस। इधर है सेट को है ना, पेन का टोपन खोलने को इतना टाइम लगता है। वो अथर्व उधर, हो गया बच्चे? चलो बेटा ये फर्स्ट हुआ, सेकंड, ठीक है मैं सिंपल से लेकर अब कॉम्प्लेक्स तक ले जाऊंगा। रेडी है ना बाड़े तू? तो अभी मैं नेक्स्ट लिखता हूं, चेक इशूड ₹9,000 नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पहले सब लोग लिखेंगे और सब लोग साथ में करेंगे, चेक इशूड ₹9,000 बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ठीक है बंधु भगिनीनो, इक्वल घ्या, अगर एक भी बच्चे ने इक्वल नहीं लिया तो याद रख लेना मेरे अकेले से एक्टिंग नहीं कराओगे, सब लोग करोगे, सिर्फ अकेला हीरो डांस नहीं करेगा, सब लोग पीछे वाले भी डांस करेंगे, समझे कि नहीं? हाँ तुम्हें मालूम है तुम सब लोग हीरो हीरोइन हो, अरे मैं पीछे वाला हूँ और मैं अकेला डांस नहीं करूंगा, समझे? लो इक्वल। अभी बताओ मुझे चेक इश्यूड मतलब एंट्री पहले कहाँ पे हुई? कैश बुक का बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ, तो ये कैश बुक का बैलेंस ज़ुइक कम हुआ गया। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पहली लाइन पढ़ो, कैश बुक का बैलेंस मालूम है ना, तो कौन सा मालूम नहीं है? पासबुक। इसको क्या करने का? इधर नाक डसा, फिर ये क्या होगा? ऐड, तो इसको लिखेंगे ऐड, समझे क्या? चलो नेक्स्ट थर्ड वन, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं, पहले इजी वाला। बैंक चार्जेस ₹900 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ताईमाई अक्का, हाँ पण ऐका इकडे आधी, बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इक्वल यो, किसने एंट्री की है? पासबुक ने एंट्री की है क्या? बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? तो बैंक चार्जेस हुआ कम। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? ये कहां से पता चल रहा है, ट्रांजैक्शन या पहली लाइन? पहली लाइन में बोला एज पर कैश बुक दिया, तो पासबुक का मालूम नहीं है, तो नाक ऊपर डसेगा नीचे, फिर क्या करेंगे? लेस, ये लिख लेस। थोड़ा सा टफ करो, थोड़ा सा हल्का सा, कितना भारी कर दे रहे तुम। बैंक चार्जेस ₹200 रिकॉर्डेड ट्वाइस, मजा ये तो थी, इन कैश बुक, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? दो बार रिकॉर्ड कर दिया, मजा आ रही थी तो कर दिया, ठीक है। यस, टिकड़ी इक्वल सर, इक्वल। अच्छा मुझे बताओ, बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस कहां पे बोला है? बराबर पढ़, गोबर मत कर, रट्टा मत मार के जा, कैश बुक। अच्छा उसके पहले पासबुक में हुआ होगा, रिकॉर्डेड ट्वाइस मतलब वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि पासबुक में हुआ एक बार, कैश बुक में हुआ दो बार, हे गया इक्वल। पहले क्या हुआ, कहां पे एंट्री हुई? बढ़ेगा कि कम होगा? ये हुआ कम। फिर कैश बुक में कम होगा कितनी बार? दो बार। ये एक, ये दो, कर देगा। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? ऐड, एक बार की दो बार, एक बार। कितना ऐड करूं? 200 या 400? 200। एक बार वापस इक्वल, ए नलायक, ए नलायक भाई साहब इक्वल। सॉरी यार, इतना क्या है, गुस्सा मत दो ना यार। पहले मुझे बताओ कहां पे एंट्री हो गई बैंक चार्जेस? कम हुआ क्या? ये कम हुआ, एक बार पासबुक कम हुआ,
फिर कैश बुक एक दो, कितने का फर्क हुआ इसके और इसके बीच में? एक बार का 200 ना, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? ये कहां से पता चल रहा है? ट्रांजेक्शन है पहली लाइन, फिर किसको डसाऊं? पासबुक डा, ये फ्रीज होगा, ये हिलता गया ना, एड, ये वो एड 200, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा हा, थोड़ा सा हड़ू, ठीक है झंपे। बैंक चार्जेस रुपीज 200 जादूगर भैरव है तू, उल्टा गुजरात भारी बोलता है सर, उल्टा। ए रजनीकांत सुन, मुझे एक बात बताओ, बैंक चार्जेस होता है क्या? रिसीव्ड होता है कि पेड होता है? पेड होता है। अरे कुठे गेला आमचा लिहिलेला? हाँ ये बैंक चार्जेस क्या होता है, रिसीव्ड या पेड? पेड। ओके घ्या इक्वल, इक्वल घ्या इक्वल। मुझे बताओ बैंक में क्या हुआ, रिसीव्ड या पेड? ये एक बार कम हुआ, इसने क्या किया कैश बुक ने? डेबिटेड का मतलब क्या है, रिसीव्ड या पेड? सर पर वो पेड करना चाहिए था। अरे पर वो गाय छाप अकाउंटेंट ने क्या कर दिया, उसको डेबिटेड कर दिया ना, तो ये क्या हो गया? आ ऊपर गया संतोष, कवर हो रहा है क्या? मक्तु काय बक्तु, कर लो कर कवर। ये ऊपर गया क्या? कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? ये होगा प्लीज, ये क्या होगा? लेस, दो बार लेस। अपने पास बहुत टाइम है बेटा, इसको आराम से करेंगे, पर अपन मिस्टेक नहीं करके आएंगे। लेते क्या इक्वल? मुझे बताओ पासबुक कहाँ है तुम्हारी? ठीक है कर ऐसे, सरल करता है तुला सा, हाँ कर ऐसा, हाँ ये क्या है? पासबुक है। अब मुझे बताओ बैंक चार्जेस पहले पासबुक में क्या होगा? ये कम हो गया राइट, कैश बुक में भी कम होना चाहिए था, बराबर है कि नहीं? कैश बुक इधर थी सॉरी, ये इधर कम हो गया, कैश बुक में भी कम होना चाहिए था, बट इस अकाउंटेंट ने गधेड़े ने क्या कर दिया उसको? डेबिटेड। डेबिटेड का मैंने मीनिंग कैसे कहा, रिसीव्ड और पेड। ये ऊपर गया क्या, कितने का डिफरेंस हो गया? 400। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? किसको डसूं, ऊपर से कि नीचे से? फिर क्या करेंगे? लेस, कितने से लेस बेटा? 400। ताई मई अक्का विचार छोड़ बे, समझ में आ गया झंडू? हाँ नहीं, अभी अगला दूं। वेरी गुड लास्ट बेंच, यू डूइंग गुड जॉब, यू शुड गो टू ओलंपिक्स। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर रुपीज 100 not recorded, not recorded in cash book, direct deposit by customer kay kele, not recorded in cash book, lyo equal equal lyo equal lyo, maharaj tumcha karta thamloy ami, gaadav gaadav maharaj, ha इक्वल। बताओ मुझे कहां पे एंट्री हुई डायरेक्ट डिपॉजिट, बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? एट डिस्काउंट, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? पहली लाइन में लिखा था ना कैशबुक का मालूम है, तो कौन सा मालूम नहीं? पासबुक। ये इधर से नाक डसा, ये हिलता क्या नहीं, ये ऊपर आता है, तो क्या करेंगे? एड, एड 100। तो बेटा बेसिक तो तुमको आ गया अभी, चलो थोड़ा सा एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। चेंज द क्वेश्चन, क्वेश्चन चेंजिंग, यहां पर बैलेंस एज पर पासबुक इज रुपीज 1,75,000, बैलेंस एज पर पासबुक इज 1,75,000। ओके पुढ़ क्यों जो, अब पहला वाला डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर
रुपीज 900। ए बाळया भाऊ, कौन सा बैलेंस मालूम है, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? ये पहली लाइन से पता चलता है, ट्रांजैक्शन से नहीं। एग्रीड? अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर एंट्री किधर हुई एज पर द ट्रांजैक्शन। कोई भी हाथ मूव करो जल्दी से, कहां पे एंट्री हुई जल्दी से बोलो, मेरे हाथ थर थर कांप रहे हैं। पासबुक बराबर है, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? कैशबुक, क्योंकि इधर पहली लाइन में क्या लगेगा, पासबुक का बैलेंस पता है तो किसको फ्रीज करूंगा। ये क्या करेंगे, लेस योगा, लेस 900। ठीक है, मेरे को आता है, मैं बता सकता हूं, बोल। चलो लो एक बार वापस, बैंक चार्जेस डेबिटेड ट्वाइस, इधर लिख दूं? हाँ इधर, एक चलो बताओ, बैंक चार्जेस डेबिटेड ट्वाइस इन कैश बुक। अच्छा, किसी बच्चे को ऐसा तो नहीं लग रहा है ना कि पासबुक में डेबिट नहीं हुआ, ये डेबिटेड, बापरे 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 गड़बड़ हो जाएगी। रिकॉर्डेड लिखता हूं, डेबिटेड मतलब रिसीट हो जाएगा, रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक। बेटा मुझे एक बात बताओ, कैश बुक में दो बार हो गया, किधर दो बार हो गया? कैश बुक में दो बार हो गया, तो क्या ऑटोमेटिकली हो जाता है या बैंक में से पता चला होगा? तुम कॉमन सेंस लगाओ ना यार, गोबर क्या कर रहे हो, बैंक में से पता चला होगा ना। तो बैंक ने कितनी बार डेबिट किया होगा, बैंक ने कितनी बार पैसा निकाला होगा? एक बार। मैंने कितनी बार मेरे बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया? दो बार। तो बेटा इधर जब जहां पर दो बार बोला ना वहां पर गलती है, दूसरा वाला बराबर हो गया। हाँ नहीं, हेलो इक्वल। अभी सभी बच्चे दिल से करेंगे, मुझे बताओ पहले एंट्री कहां पे होती बैंक चार्जेस की? पासबुक में एंट्री एक बार हुई कि दो बार हुई? एक बार। एक बार बैलेंस बढ़ा या कम हुआ? हुआ। ये कम हुआ, देखो एक बार हो गया। कैश बुक में भी एंट्री हुई क्या? कितनी बार रिकॉर्ड हुआ? एक दो, बराबर है। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, पहले लाइन पढ़ो। तो कैश बुक को क्या करेंगे, नीचे है ना, फ्रीज। क्या करेंगे, लेस। एक बार दो बार, कितना? 100। ये समझ में आया बेटा? बॉयज एंड गर्ल्स, थोड़ा सा मुश्किल करूं, थोड़ा सा। ईएमआई पेड रुपीज 5000 बाय बैंक वॉज डेबिटेड इन कैश बुक। ओ रुपीज 4000, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, प्लीज कोई घाई नहीं करेगा, सब शांति से। अब मुझे घाई नहीं चाहिए बेटा। बैंक ने ईएमआई का पेमेंट किया कितने का? 5000। बैंक ने ईएमआई का पेमेंट किया कितने का? 5000। तुमने छिछोरे ने कितने की रिकॉर्डिंग की? तुमने छिछोरे ने कितने की रिकॉर्डिंग की? पक्का? तुमने रिकॉर्डिंग की 4000 की, बट बैंक ने एंट्री कितने की? 5000 की। अब मैं अकेला करूंगा, पूरी क्लास देखेगी। पहले एंट्री कहां पे हुई? पासबुक में। ईएमआई पेड मतलब बैलेंस क्या हुआ? कम। ये 5000 से हुआ, मैं दिमाग में भर चुका हूं। कैशबुक में क्या हुआ है? डेबिटेड मतलब रिसीव्ड और पेड, ये नलायक उल्टा चला गया, तो ये बढ़ गया कितने से? 4000। दोनों का डिफरेंस कितने का हुआ? 9000। यस और नो? वापिस एक बार, पासबुक में मैंने कम किया कितने से? 5000। कैशबुक में वर्ड है डेबिटेड, डायरेक्टली कोई आंसर नहीं निकालेगा, डेबिटेड का मीनिंग समझेगा, डेबिटेड का मीनिंग है रिसीव्ड इन कैशबुक, तो ये बढ़ गया, बराबर है ना। कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, क्योंकि पासबुक का दिया हुआ है, कैशबुक का मालूम नहीं है, फ्रीज। फिर एड 9000, समझे क्या? सो एड 9000। बेटा अब मैं नहीं, अब मैं देखूंगा तुमको, तुम बराबर कर रहे हो कि नहीं। चलो यही ट्रांजेक्शन पूरी क्लास में देख रहा हूं, ऑब्जर्व कर रहा हूं, अगर एक भी बच्चा आजू बाजू में नजर देगा तो याद रख लेना। हाँ लो इक्वल, सभी के हाथ दिखने चाहिए, संतोष करो, माँ आशीर्वाद दो। हाँ चलो जल्दी से बताओ मुझे, पहले एंट्री कहाँ पे हुई? पासबुक में रिसीव्ड और पेड, तो पेड कराओ। हाँ कितना पेड हुआ? 5000। कैश बुक में क्या हुआ, डेबिटेड या क्रेडिटेड? डेबिटेड मतलब रिसीव्ड और पेड, तो रिसीव्ड मतलब कैश बुक हो गई, बढ़ गई।
कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, क्या करेंगे? फ्रीज और फिर एड। एड कितना? 9000। एवरीवन इज एग्रीइंग विद दिस? यस, यू आर लवली पीपल सो फार। आई एम डूइंग फोर्थ क्वेश्चन नाउ। थोड़ा सा टफ लें अभी, अब जैसा एक थोड़ा सा हल्का सा है ना। चेक डिपॉजिटेड ऑन 29th March 2016 रुपीज 5 lakh, आउट ऑफ विच 1,60,000 गॉट क्लियर्ड ऑन 4th April 16। BRS बनाने का 31st March के दिन। मेरी बात सुने की गुड़िया, मैं कुछ बोलना चाहता हूं। सिद्दीक सुनना यार, तू ही नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा फिर मेरी बात? हाँ, पूरी क्लास का ध्यान इधर बेटा। BRS में लफड़ा क्या है देखो, BRS बन रहा है 31st March के दिन, ठीक है? सुनो बेटा, मैंने आज जाके कार्ड्स में स्वाइप किया, एक पेमेंट किया, हाँ नहीं, मैंने मेरे कैशबुक में भी एंट्री कर दी और पासबुक में भी एंट्री हो गई, आज ही, आज झाला है सगड़ा। तो मुझे बताओ BRS में आएगा क्या? ये आएगा क्या? मैंने पेमेंट किया, उसने रिकॉर्ड भी कर दिया, BRS में आएगा क्या? BRS में ऐसे आइटम नहीं आते। जो कैशबुक में भी हो गया, पासबुक में भी हो गया, तो क्या करते हो? कैशबुक में हो गया, पासबुक में हो गया, अब क्या एडलाइज करता है? निकलत नहीं है। कैशबुक में हो गई, पासबुक में, अब एडलेस क्या करता? कुछ भी नहीं। दोनों में एंट्री हो गई तो लोचा नहीं है। बट मान लो कैशबुक में एंट्री हुई आज, पासबुक में हुई 31 मार्च को, बैलेंस शीट बन रही इधर, इस दिन बैलेंस शीट बनते वक्त क्या दोनों में डिफरेंस रहेगा क्या नहीं रहेगा? 31 मार्च के दिन रहेगा क्या नहीं? तो बेटा ध्यान में रखना, BRS में सिर्फ वही आइटम आते हैं जिस दिन का BRS बन रहा है, इस दिन का BRS बन रहा है। एक ट्रांजेक्शन हुई इधर और एक हुई इधर तो BRS में आएगा। दोनों इधर हो गई तो BRS में क्या काम किया? देखो ये ऊपर हुआ, ये भी ऊपर हुआ, क्या करो अभी इसका? करते का। बट हां, एक हुई अभी ऊपर और एक अगले साल होगी, तो इस साल तो डिफरेंस है ना। समझ में आ रहा है क्या? If both the legs of the transaction, both the legs of the transaction means in the cash book and in the pass book happens in the same year, it is not a part of BRS. दोनों ही अगर सेम ईयर में हो गया तो BRS का पार्ट नहीं है। बट मैंने चेक इश्यू किया करंट ईयर में, तो मैंने कैश बुक में तो एंट्री करंट ईयर में की, बट वो क्लियर हुआ नेक्स्ट ईयर में तो BRS में आएगा, क्योंकि करंट ईयर में तो डिफरेंस दिखेगा ना। 31 मार्च के दिन मैंने चेक दिया था जून में, क्लियर हो गया जुलाई में, क्या प्रॉब्लम है? मार्च के दिन तक तो दोनों सेटल्ड है ना। सेम ईयर में इश्यूड, सेम ईयर में क्लियर, नॉट पार्ट ऑफ BRS। करंट ईयर में इश्यूड, अगले साल क्लियर्ड, देन इट इज पार्ट ऑफ व्हाट? BRS। मैं क्या बोला समझ में आएगा? चलो BRS में कौन सा आइटम आता है? सेम ईयर में या एक साल में इधर हुआ और एक साल दूसरे इसमें हुआ और दूसरा दूसरे साल में? हाँ नहीं, अब सुन मेरी बात बच्चे। मैंने क्या लिखा है कि हमने 5 लाख के चेक डिपॉजिट किए थे, सही है ना? 5 लाख के चेक डिपॉजिट किए थे, उसमें से 1,60,000 के चेक कब क्लियर हुए? 4 अप्रैल। मतलब बाकी के कब क्लियर हो गए? सेम ईयर में। नहीं, अच्छा मैं एक बात बताऊ, अगर मैंने आज चेक डिपॉजिट किए कितने? 5 लाख के, राइट? इधर 31 मार्च है, इधर 1,60,000 के क्लियर हुए, हाँ नहीं? तो बाकी के कहां गए? बाकी के गायब हो जाते ऐसे, क्लियर हो गए होंगे ना, यही मीनिंग है उसका। तो कब क्लियर हो गए? वो इधर ही क्लियर हो गए। कितने के क्लियर हो गए? 2,40,000 बेटा, आगे 3,40,000 जो सेम ईयर में डिपॉजिट होकर क्लियर हो जाते, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ BRS। जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा, रेज हैंड, डोंट वरी, मैं क्या बोल रहा हूं, ओके? मैं क्या बोल रहा हूं, चेक डिपॉजिट किया 5 लाख के, 5 लाख के मतलब मेरे पास अलग अलग बच्चों से 5 लाख रुपए के चेक है, मैं जाके आज बैंक में डिपॉजिट कर देता हूं। आज है 29 मार्च
मैंने डिपॉजिट किया, उसमें से कुछ बच्चों के चेक 31 मार्च तक ही क्लियर हो गए, तो कैशबुक में 5 लाख की एंट्री हो गई, पासबुक में भी एंट्री हुई जितने के क्लियर हो गए, कितने के क्लियर हो गए 3,40,000। सो बेटा अगले साल कितने क्लियर हुए 1,60,000। डेटा कैसे दिया है, चेक इश्यूड हाउ मच, अरे आवाज नहीं, चेक इश्यूड 5 लाख का, क्लियर्ड इन नेक्स्ट ईयर कितना दिया, मतलब कहां पे एंट्री हो गई पूरी क्लास बताएगी, पहली एंट्री कहां पे हो गई है, कैशबुक कितने की एंट्री हो गई 5 लाख। बेटा पासबुक ने भी एंट्री की है करंट ईयर में कितने की, 3,40,000, 1,60,000 की अगले साल हुई। हाँ या ना? अब तुम्हारे पास दो तरीके इसको सॉल्व करने के, मैं सबसे पहले इजी वाला तरीका ले रहा हूं, लो इक्वल राइट। पहले मुझे बताओ एंट्री कहां पर हुई, कैशबुक में एंट्री कितने की हुई 5 लाख, पासबुक में भी हुई 31 मार्च के पहले कितने की हुई 3,40,000, दोनों का फर्क कितने करा 160, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, कैशबुक, तो क्या करेंगे फ्रीज, ये क्या होगा ऐड, ऐड कितना 1,60,000 नॉट 5 लाख नॉट 3,40,000 160, समझ में आ रहा है क्या। एक बार वापिस कर दिखाओ ना प्लीज, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक बार वापिस प्लीज थोड़ा सा रहम करो। इक्वल लिया, पहले एंट्री किधर हो गई, कैशबुक में क्या हुआ, कितने से बैलेंस बढ़ गया 5 लाख, हैप्पी। पासबुक में कितने की एंट्री हुई इन द सेम ईयर, सो कैन आई नॉट से 3,40,000 इधर तक हो गया, कितने का डिफरेंस है, कौन सा बैलेंस पता नहीं है, कैशबुक को क्या करेंगे फ्रीज, क्या करेंगे ऐड, डन, यस। अगली बात बताऊं, आर यू ऑल रेडी। अब यही सेम ट्रांजैक्शन अलग तरीके से दे रहा हूं, मतलब एक लाइन चेंज होगी आंसर चेंज हो जाएगा। देखो कितना लिखा था मैंने, चेक डिपॉजिटेड, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड कितने के डिपॉजिट किए थे 5 लाख रुपीज, 5 लाख ऑन 29th March 16, लिखते जाओ ना मेरे साथ गोबर, सरकार चेक डिपॉजिटेड रुपीज 5 लाख कौन सी तारीख को, 29th March 2016, डू ऑल अप्रिशिएट, ओके, आउट ऑफ विच रुपीज 1,60,000 क्लियर्ड ऑन मतलब पूरा क्वेश्चन सेम है बेटा, लास्ट की सिर्फ डेट चेंज किया मैंने, पिछली बार यही डेट मैंने क्या लिखी थी 4/4/16, इस बार कितनी लिख ली 31 मार्च 16, सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ राइट, रेडी हो गया बेटा। करंट ईयर में डिपॉजिट कितने का किया, करंट ईयर में क्लियर कितने का हो गया, इजी वाला अप्रोच फॉलो करते ना यार, चेक डिपॉजिटेड पहले एंट्री कहां पे होगी, ये कैशबुक कितने से बढ़ी, अब डिपॉजिटेड पहले एंट्री होती है कैशबुक में 5 लाख, बैंक में कितने की एंट्री हुई 1,60,000, दोनों का डिफरेंस कितना है 3,40,000, कौन सा बैलेंस पता नहीं है, कैशबुक फ्रीज, क्या करेंगे ऐड, ऐड कितना 3,40,000। इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है पता है क्या, क्लियर कब हुआ ये देखना है, क्लियर अगर अगले साल हुआ मतलब वो डिफरेंस है, क्लियर सेम साल में हुआ मतलब वो डिफरेंस नहीं है, फर्क समझ में आ रहा है क्या, क्लियर अगर अगले साल में हुआ तो वो डिफरेंस है, क्लियर अगर सेम साल में हो गया तो वो डिफरेंस नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा होगा, पक्का ठीक है, अब आई का क्या था थोड़ा सा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कराया था याद है, देखते आज उसको टेस्ट करने की बारी आ गई है। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है जरा ध्यान से सुनिए, मैडम लागला नसेल तर बघा विचारा, कैशबुक है क्या,
R is directly proportional to B or inversely proportional to B? Oh ho! R बोले तो क्या? Receipt. If receipt मतलब receipt side is overstated, balance is overstated. R is understated, balance is understated. Lovely. P is directly or inversely? Inversely to what? B. अच्छा. P is overstated. P is understated. बराबर है. अब जो गलती मैं करूंगा, ठीक है ना, जो गलती मैं करूंगा वो बैंक में बैठी हुई मेरी मैनेजर भी करेगी. खाली पकड़े इमोशनल अत्याचार नहीं करने का. मेरे से हो गई गलती कैश बुक में, मैं दो बार रिकॉर्ड कर चुका, तो क्या वो भी वही करती क्या? मैं टोटलिंग में मिस्टेक आ करता, तो क्या वो भी वही करती क्या? क्यों नहीं करती? क्योंकि उनके पास कंप्यूटर होता है. मजाक कर रहा हूं. अरे यार कमान, तुमको एक बात समझ में आ रही क्या भाई? जो गलती हम करते वही गलती वो नहीं करते. हाँ, तो अभी ये BRS का पार्ट है क्या? नहीं देखो, ऐसे बोलेंगे रिसीट साइड इज, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्ट रुपीज 9000. बाड़ा, रिसीट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरस्टेटेड, बैलेंस इज, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, बैलेंस एज पर पासबुक, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? ये वाला सुनना, इक्वल लिया गया, रिसीट इज ओवरस्टेटेड, बैलेंस इज ओवरस्टेटेड, किसका बैलेंस इज ओवरस्टेटेड? तो कैश बुक क्या हो जाएगी? अभी समझ में, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? हाँ, कैश बुक, क्योंकि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? डिस्काउंट एड. अरे समझ में आ रहा है क्या भाई? अब मैं पूरा पूछूंगा इसके बारे में. लिखो एड 9000. ये ओवरकास्टिंग और अंडरकास्टिंग, अगर आर और पी का लॉजिक तुमको पता रहेगा तो किसी का बाप रोक नहीं पाएगा आपको. तू पुड़े बसाई जा. हो गया गुड़िया, वेरी गुड. सरकार, हम आगे बढ़ेंगे. अभी हीरो दिस नाना पाटेकर, पण तो म्हातारा झाला, तू आताच दिसायला लागला त्याच्यासारखा. यंग नाना पाटेकर तेरा नाम, यंग नाना पाटेकर, भारी दिखता है. आवाज भी ऐसी है कितरी. चलो सुनो अभी. आज डायलॉग होगा तेरे इधर. तुम बाकी के सुनो इधर, एग्जाम है अभी अपनी, बट मस्ती में करने का, एकदम हल्के फुल्के तरीके से. सीरियसली करोगे ना तो फिर बहुत टाइम लगता है. सीरियस लोग कहाँ होते हैं? कौन होता है वहां पे? खुश होने का क्या? क्यों? तुम बीमार हो, तुम क्या करोगे? सुनो अभी. सुनते हो क्या? रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक इज ओवरकास्ट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं. इसको मतलब अब दूसरा वाला बता रहा हूं. क्रेडिट साइड ऑफ CB इज ओवरकास्ट, कोई आगे नहीं जाएगा मुझे पूछे बिना. बेटा अब मैं रिसीट और पेमेंट की बात नहीं करता, मैं किसकी बात करता हूं? क्रेडिट साइड. बट तू तो यार इतना होशियार है यार. क्रेडिट साइड मतलब कौन सी साइड, रिसीट या पेमेंट? तो मतलब पेमेंट साइड इज व्हाट, ओवरकास्ट और अंडरकास्ट? ओवरकास्ट. इफ पेमेंट साइड इज ओवरकास्ट, बैलेंस इज अंडरकास्ट. किसका बैलेंस इज अंडरकास्ट? कैश बुक. कलते का है, लियो इक्वल. किसका बैलेंस कम हो गया? ये कैश बुक कम. कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? लेस. ये समझ में आ रहा है क्या? सो लेस स्विंग अप 400. किसको डाउट है? हाथ रेज़ योर हैंड. पाई नहीं, रेज़ योर हैंड. थर्ड वन, लेट्स गो विद द लास्ट. काजल है, ठीक है. नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक, क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक इज
अंडर कास्ट रुपीज 100 ए बाड़िया पासबुक बोला है ए बाड़िया पासबुक में भी तो मिस्टेक हो सकती है यार, मैडम से मिस्टेक हुई तो क्या हम भी मिस्टेक करेंगे क्या? नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो बताओ क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक मीन्स विच साइड, रिसीट और पेमेंट साइड? रिसीट साइड, मतलब रिसीट साइड इज ओवर कास्ट बैलेंस इज, रिसीट साइड इज ओवर कास्ट बैलेंस इज अंडर कास्ट। अच्छा इधर का, हाँ इधर अंडर कास्ट था, मैंने बोला उल्टा। अच्छा तुमने इसका आंसर दिया बशी, रिसीट साइड इज अंडर कास्ट बैलेंस इज अंडर कास्ट। घाई नहीं करते, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक मीन्स रिसीट और पेमेंट साइड? ये मैंने कराया था, रिसीट साइड है। अब रिसीट साइड के बारे में क्या बोला, अंडरकास्ट की ओवरकास्ट है? अंडरकास्ट, इफ आर इज अंडरकास्ट बैलेंस इज अंडरकास्ट, ये हमने रेक्टिफिकेशन में देखा था। तो लो इक्वल, किधर लोचा हुआ है, पासबुक में कि कैश बुक में? पासबुक की रिसीट साइड अंडरकास्ट है तो किसका बैलेंस अंडरकास्ट होगा? यार आवाज नहीं आ रही यार, पासबुक ये नीचे कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है, क्या करेंगे? ऐड, कितने का ऐड होगा बेटा, समझा क्या? चलो अगला वाला तुम लिख कर मुझे बताओगे सभी लोग, कोई एक दूसरे को नहीं बताएगा, जो बताएगा फेल हो जाएगा। डेबिट साइड ऑफ पासबुक इज हो गया, ऐसे ही आ गए तुम तो इधर यार, हो गया सभी का? चलो ऑन द काउंट ऑफ थ्री सभी क्लास एक साथ आंसर बताएगी, 1 2 3 लेस, किसी का ऐड है? चलो देखते पहले एक बार बात करते, डेबिट साइड ऑफ पासबुक मतलब रिसीट या पेमेंट साइड? वो अंडरकास्ट है कि ओवरकास्ट है? पेमेंट साइड अंडरकास्ट बैलेंस इज ओवरकास्ट, सो किसका बैलेंस इज ओवरकास्ट? ये पासबुक, अगर गलत हाथ ले लिया पांडे जी तो बम हो जाएगी, पासबुक इज ओवरकास्ट। ये वर्ग है क्या, कौन सा बैलेंस मालूम नहीं है? लेस, हैप्पी? सो ये क्या करेंगे, लेस 500, ठीक है? मुझे लगता है अभी के लिए इतना काफी है, राइट? थैंक यू सो मच।